ना तब तक लेक ही करता हूँ अच्छा कितना कम ही है कर। तो ये तो ओवर अटैक चालू होने में आई थिंक टाइम भी है क्योंकि फिफ्टीन मिनट का तो अप्रेशन टाइम ही होगा <laughs> ये क्या सी है भाई चलो पूरा ही निकालने में जब आ तो लून भाई कुछ भी भाई कुछ भी, च्छे भी। आ, वैसे मॉल ब्रेक करना भूल गया देखते हैं हमारी क्वीन टाउन पे जाती है कि नहीं अभी भी चली तो जानी चाहिए एटलीस्ट तो लूनो क्योंकि हमारे हीलर मर रही हैं टॉनल तो सिक्योर हो गया, बट स्वीपर हमें काफ़ी डैमेज दे रहा है कवरेज हाइब्रिड चालू करते हैं अपना उटन, एक ही क्वीन आई नो मेरी सर्वाइव करेगी कि नहीं आ, सिंगल भी लॉक है एबिलिटी कर देता हूँ एनमी क्वीन मिल जाएगी हमें उधर से वॉर्डर आर सी पर हमारी प्रोटेक्टेड है थोड़ी देर फ्रीज कर लेते हैं इसके बाद लास्ट वॉल ब्रेक एक ऐसा हमारी क्वीन अपने पट जाएगी ऐसे अपने पास एक वॉल ब्रेक था अगर क्वीन को चाहते बचाने का सू हीरो हीरो तो मर चुके हैं सारे तो हेड हंडे डाल देते हैं क्वीन अप मिले बीच वाला का कोरो वाला मल्टी होता तो ज़्यादा अच्छा रहता तो अपने आर सी पार्ट के लिए अगर सर्वाइव कर जाती है तो अच्छी वैल्यू मिलती है मेरे को सी इस सील तो सारे खत्म हो गए बट में ज़्यादा बचा नहीं एक बचा है एक आर स्केटर शॉट बचा तो वो ज़्यादा देर तक तो आर सी ही लगा रहा था आर सी बिल्टी पॉप कर देते हैं सिंगल मिल जाए जल्दी तो काम हो जाएगा अपना स्टार्ट <coughs> <और> हुआ <laughs> अभी नहीं यार और आ... अभी तो प्रिपरेशन टाइम ही चालू होगा एक सेकेंड रुक चैट ऑफ कर नहीं तो मैं अपना ट्रूप से नहीं ड्रॉप कर पाऊँगा <laughs> 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 ट्रिपल तो दटरी वॉच स्टार्ट होने में अभी टाइम है ब्रांड्स आर एस सैड नो बट दैट मीन्स मेरे को तो लैंग्वेज ही नहीं पता कौन सी हुई आई थिंक स्टार्ट हो गए होगी बट अभी तो प्रिपरेशन चलेगा फिफ्टीन मिनट का उसके बाद वन आवर की बॉल है सो so, लेट्स टीम की अगर लाइनअप देखें तो आई थिंक ई एम लेजेंड इंडिया का तो सबको जानता ही होगा प्लेट और जीरो तो काफ़ी फेमस बंदे इनके और सामने कोमिलिया रॉयल्स बांग्लादेश का एक लाइन इनकी लाइनअप का मुझे आइडिया नहीं है पूछ कर लेंगे अभी क्योंकि फिफ्टीन मिनट और फिफ्ट स्टार्ट के कुछ देर तक अटैक होते भी नहीं हैं आई डोंट नो ये लोग सीसी रिक्वेस्ट देंगे कि नहीं वैसे उम्मीद करते हैं कि दे दें सो so, uh, सब कुछ अपने पास लॉग डॉन्चर भी है अगली डाल लेते हैं खर्ची से तो दे दिया एटलीस्ट हम लोग लेजेंडरी अटैक ही कर लेंगे तब तक क्योंकि अभी टाइम है इनके में तब तक अपने अटैक भी कम्पलीट हो जाएंगे आज मेरा फर्स्ट अटैक गया इवन हर रोज अटैक मिस हो जाते हैं कल भी दो ही कर पाया था ऐसे ही रहा तो एक दो दिन में लेजेंड लिख के बाहर हो जाऊँगा फोटी नाइन हंड्रेड को ऑलरेडी हूँ लूट इन्वेस्ट कर लेते हैं तब तक जितनी भी है आ, कोई कर लेते हैं तो मेरा पूरा ही मैक्स आउट है केवल वॉल्स ही बची है इवेंट तो इवेंट है क्या आज न्यूज भी मैंने देखी अभी टू थ्री आवर पहले ही है वर्ल्ड फॉर्म अप अच्छा है इसमें मतलब ये मार्च की सी डब्ल्यू की रैंकिंग होगी उसमें जो टॉप एट क्लाइन होंगे वो अभी लास्ट वर्ल्ड फाइनलिस्ट जो भी बने थे टॉप एट जो भी टीमें थी अब पता नहीं अपोनेंट में भी वो टॉप एट टीम है सारी के सारी लेंगे कि फाइनल में जो पहुंची उनको लेंगे ये तो कहीं लिखा नहीं कि किसको किसको लेना है लेट्स से और अदर टॉप क्लांस भी लिखा है तो आई डोंट नो वो अदर टॉप प्लांस कौन कौन से होंगे और फिर भी एटलीस्ट इंटरेस्टिंग मैचअप तो होगा सो so, मार्च में ही कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिल जाएगा प्राइस फुल भी अच्छा खासा है फोर्टी थाउजेंड डॉलर है तो हर कोई अपना पूरा फुल ऑन देगा तो देखते हैं मार सी डब्ल्यू में कौन आता है अब ये मुझे आइडिया नहीं मार्च सी डब्ल्यू की जो रैंकिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक जो फेबररी में ख़त्म होगा तो अगर हम इस सीज़न के देखें हैं हाँ तो वही तो जो इस सीज़न मतलब जो कंप्लीट होगा फेबर वाला वो जाएगा मार्च वाली रैंकिंग में तो उसी के हिसाब से आएंगे तो देखते हैं आपकी बार वाले सी डब्ल्यू में कौन टॉप एट टीम्स आती हैं इन्होंने डायरेक्ट भी नहीं लिखा है कौन से अदर टॉप प्लेयर्स होंगे भाई मैंने बैगनान के लिए अप्लाई कर लिया सही है भाई सही है उनका ट्राई आउट ट्राय आउट होता है देख लो ट्राई कर लो मेरी लोअर आई रहती हैं उधर आई थिंक मेरी एक टाउन हॉल ट्वेल्व की आईडी रहती है और एक टाउन हॉल थर्टीन मेरे टैप पे भाई पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी क्वालिटी का तो सर लैक करता है ना इससे अच्छा तो कर लगता है भाई फ़ोन पे ही करो मैं टाइम लिया था कि सोचा था अच्छी क्वालिटी का इधर और ही उल्टा होता है काम तो हाँ तो किसकी बात करें था इसी के भाई डेट भी इसमें लिखी है मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी सेवेंटीन और ट्वेंटी एटीन तो अब लब अलग लब के बीच में ही है तो पता नहीं उसमें कौन कौन सी डेट होंगी सो देखते हैं बाकी और तो ज़्यादा डिटेल दी नहीं है थोड़े बहुत लिखा है हो सकता है और कहीं और ट्विटर या कहीं रेडिट के फोरम पे और डिटेल्स दियो आप कंपटिटिव कहाँ से खेलते हो आ, केवल टाउनल थर्टीन की अगर बात करो तो हम लोग ए के ट्वेंटी सेवन की एक टीम है उसमें खेलते हैं और अगर आ, मतलब नेक्स्ट टाउन की बात कर रहे हो तो उसमें हम लोग खेलते हैं बैगनान ब्लूज़ में खेलता हूँ ब्लू है उसमें मैं अलायंस का क्लाइंट था तो ऐसे एक दो बार ट्राई आउट दिया था अच्छा लगा तो लोअर टाउनल पे भी एटलीस्ट उधर खेलता हूँ बाकी टाउनल थर्टीन पे मेनली हम लोग खेलते हैं वो ब्रूटल डेथ के साथ खेलते हैं ब्रूटल डेथ ए के ट्वेंटी सेवन की टीम है और दो तीन और प्लेयर हैं वो टाउन थर्टीन के बाकी तो भाई टाउन अलेवन से भी आई डोंट थिंक सो खेलता हूँ लोअर टाउनर में टाउन ट्वेल्व रहता है और टाउनल थर्टीन

इसमें बड़े रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं आप चैट शो नहीं करनी है अब वैसे अपनी आदत होती है वॉर स्टार्ट होते हैं सबसे पहले जाते हैं सीसी सी भरने खेलने की भी आदत है मतलब जिसकी खेलने की आदत होती है उसको तो भाई जैसे वॉ स्टार्ट होती है वो सीसी सी भरने चला जाता है तो वो मेरे को ध्यान रखना पड़ता है भाई सीसी पे भी क्लिक नहीं होगी कि सी सी क्लिक किया तो ट्रूफ दिख जाएंगे भाई कौन सी डिफेंसिव सीसी है तुरंत मेरे को लीक से बैन पड़ जाएगा स्ट्रीम भी नहीं कर पाऊंगा आगे कभी तो भाई बड़ा पंगा होता है इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगला क्या काम करने वाले हो अभी जब तक तो और स्टार्ट ही नहीं होती तब तक तो मैं जाता ही नहीं भाई गलती से भी सी 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 भी नहीं दिखाना एक बार स्ट्रीम स्ट्रीम मतलब करने लगा फिर हाथ सेट हो जाते हैं तो उतना दिमाग रहता है कि भाई हाँ ये चीज़ नहीं करनी बट स्टार्टिंग बड़ा डर लगता है चलो तब तक नहीं देखते हैं तीन मिनट में कंप्लीट होता है तब तक आप कुछ अटैक देख सकते हो फिले से इधर तो रिसेंटली अच्छा लास्ट सीजन में इस वाले में कितने पे फिनिश किया था मैं फाई फाइव सिक्सटी नॉट गुड नॉट बैड आपके साथ खेल सकता हूँ पेगनइनल ब्रूस में अगर कर जाओ क्वालीफाई तो खेल सकते है भाई वैगन ब्रूस में तो मैं ऑलरेडी खेलता हूँ उसमें दो दो मेरे आई टी से अगर हम देखें मेरे समय है प्लिस टू आई थिंक उसी क्लाइन में होगी जहाँ तक ये तो लेजेंड लिख के बाहर चलेगी शायद वाली आई टी कहाँ गई मेरी फोर्टी नाइन के आसपास होनी चाहिए ये वाली ये बंगनाम टू उसमें ही है एक ये है और एक टॉनल ट्वेल्व की होगी प्रसोन वन थ्री करके हाँ ये वाली है ये भी उधर ही है ये दो आइडीज़ है मेरी जो खेलती हूँ अगर टॉनल थर्टीन में खेलना है तो उसमें तो मुश्किल होगा जो टॉनल थर्टीन की फाइव ही फाइव फाव हम लोग की लाइनअप है क्योंकि उसमें हमारी टीम में से मैं ऑलरेडी आई थिंक सेवन सेवन या एट है एक्टिव प्लेयर ऑलरेडी उसमें भी हम लोग को स्विच करना है पड़ता है बार बार किसी को किसी और में खिलाओ किसी को किसी और में तो दैट टफ ही होगा बाकी फिर भी ट्राई करना है तो अगर ए के ट्वेंटी सेवन से ही बात करो <coughs> तो उसके अगर उससे बात करनी तो उसका डिस्काउट सर्वर कहीं पर भी, भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो क्योंकि मैं किसी भी टीम को मैनेज नहीं करता ब्रूटल डेथ तो हम लोग फाइवी फाइव वाली लाइनअप है उसको एक ही लीड करता है एक के मतलब अभी पूरा नाम शायद अभी खर्च रहा है अजीब शायद उसका सर नेम तो मेरे नहीं होता खतरनाक है महाराष्ट्र आई थिंक खुद का भी चैनल उसका एक ट्वेंटी सेवन लाइव करके और मिनट है अभी तो खैर और में पहले से बूस्ट लगा लेना चाहिए दर टैक के मेरा कंप्लीट हो गया <laughs> इसको तो ध्यान ही है मेरी लोअर आई डीज में तो गिने चुने पॉइंट होते हैं भाई क्लाइन गेम्स इवन मैंने खेला ही नहीं देखो अभी बीस भी क्लाइन में भी चूज़ का ही ऑप्शन आ रहा है मेरे को भी क्लाइन गेम्स भी पिक करना है एटलीस्ट एक क्लाइन गेम्स तो पिक कर ही लो फोर थाउजेंड पॉइंट्स नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट एक में कम से कम सारा रिवॉर्ड तो मिल जाएगा क्लैन में जिसमें होंगे उसमें कम्प्लीट हो चुका होगा देखते हैं अभी कितना टाइम बचा है वैसे क्लाइंट गेम्स में दो दिन है कंप्लीट कर सकता हूँ दो दिन में तो फोर पॉइंट्स आराम से हो सकते हैं देखता हूँ <laughs> क्या हाल चाल भाई एकदम बढ़िया भाई एकदम बढ़िया <laughs> अच्छा यूट्यूब लाइफ में काफी कम डिले होता है ओबीएस ओबीएस से करो तो उसमें डिले ज्यादा होता है मेरे पास अभी उतनी चीजें हैं नहीं तभी ओपीएस वाला एक बार ट्राई किया था उसमें लेकिन बना नहीं था भाई वॉइस का बड़ा पंगा होता है क्वालिटी भी उतनी अच्छी जा नहीं पा रही थी मेरी यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में फिर भी बेटर रहता है किसी के पास अगर हार्ड हार्डवेयर चीज़ें नहीं है तो भाई डायरेक्ट यूट्यूब से ही करना ईज़ी रहता है बाकी किसी के पास हो भाई एलगाटो हो जो मिरर कर सके तुम्हारे फ़ोन को मैंने कई सारे ऐप ट्राई किए लेकिन ये किसी में भी क्वालिटी नहीं मिल पाती है बड़े ऐप का तो बड़ा पंगा रहता है कुछ कुछ तो ओबियस में लेते ही नहीं है कुछ लेते हैं तो उनमें बहुत पंगा है भाई उसका भी इसके पास चीज़ें हैं उसके लिए तो फिर भी सब इजी है आदमी है रेडी लेट्स गो लेट्स होप द बेस्ट ये बेस्ट तो मैंने खुद से किया था <laughs> लेकिन मेरे को ट्रैप से समय बिल्कुल भी नहीं याद है hmm. टाउन हॉल पर तो नहीं जाएंगे क्योंकि पंगा ये है कि टाउन हॉल के पीछे वाला जो सिंगल एंड है वो और सी दो के दोनों एक साथ ही आएंगे तो टाउन हॉल से तो मेरे को किसी भी हाल में नहीं जाना है तो किसी साइड से एंट्री पिक करते हैं देखते हैं मेरा वॉल ब्रेक कहाँ जाएगा चलो ठीक है मैं बुरा जगह भी नहीं जा रहा है और थोड़ा सा फंगल के लिए दो तो लून इधर एक ड्रैगन लून हीलर कमान एक है रेंटर आर के लिए रेडी रखते हैं रेंटर रेज के भी जरूरत नहीं पड़ेगी गेस अभी आर्चर टावर नहीं डाउन हुआ सी सी क्या क्या निकला भाई आर्चर ये क्या है भाई कौन सा सी सी आजकल मिलता है मेरे को लोअर लेजेंड लीग में तो पता नहीं लोग क्या, क्या? अभी मेरी क्वीन एबिलिटी चली गई तो रेज एज भी डाल रखा था मेरे से पॉप हो गई ऑटोमेटिक गई मैं तो देख ही नहीं रहा था हो सकता है मेरे से ही टच हो गई भाई अभी मेरे इवन अभी एक हमारी वो बची थी भाई ये तो अलग ही गेम हो गया विच भी बची हुई थी तो पंगा हो गया फ्रेज भाई फ्रेज, कम ऑन यार क्वीन भाई थोड़ी वैल्यू निकालो एक कॉल बॉल ब्रेक कर लेते हैं क्वीन तो मेरी आई थिंक सर्वाइव कर जाएगी टाउन हॉल पे अपना हाइब्रिड चालू कर लेते हैं अबे सिंगल सिंगल भाई 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 अब फ्रीज ही नहीं मेरे पास छोड़ो नहीं बच गई चली गई क्वीन सिंगल से तो दूर चली गई एटलीस्ट लगे मर गए फाइनली नथिंग आई कैन डू अबाउट इट राइट ठीक है माइनर मेरे सारे कवर हो गए थे किंग हमारे वॉल तोड़ने में लगे आई डोंट नो डों चलो फाइनली आगे गया इधर वॉल ब्रेक कर लेते हैं और क्वीन के लिए एक मेरा हॉक सारे वाइप आउट हो गए कुछ बचे हैं क्योंकि मेरे को तो दिख नहीं रहा भाई अपने हॉक नॉट लुकिंग गुड हीलर भी टारगेट हो चुकी हैं ऑर्डर रेबिल्टी में ऑलरेडी किंग किया रेबिल्टी को ऑपर दो थोड़ा फनल बने अदरवाइज मेरे ट्रूप सारे के सारे ही बाहर चले जाएँगे एक हील मारते हैं इधर आर सी आई थिंक मर जाएगी अभी थोड़ी देर में आ, नहीं लग रहा भाई मेरे को ट्रिपल तो नहीं लग रहा है कोई हील ही नहीं बचा बैकेंड के लिए भी बड़ा है मेरे था भाई एक तो लेज लीग में भाई मिलती भी है सारे के सारे ग्राउंड एक्सपो रहती हैं क्या ही कर सकते हो भाई और ऊपर से हमारे किंग भैया वॉल तोड़ने में लगे हैं कहीं फनल अनल करते तो फिर भी मेरा हाइब्रिड कोर में जाताज खींच खींच के नाइन्टी फिर भी कर सकते हैं मे बी अभी भी हमारा किंग भाई वॉल तोड़ने में लगा है अब वो जिस कंपार्टमेंट में जा रहा है उधर एक 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 और बिल्डिंग तोड़ने के बाद फिर वो वॉल तोड़ेगा भाई हमारी हीलर भी सारी की सारी किंग पे स्विच हो गई तो हीलर से भी कुछ खास वैल्यू नहीं मिली नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर हो सकता है मैं भी ना, हाँ नाइन्टी फोर हो गया नाइन्टी फोर पे क्लोज क्योंकि लास्ट की जो बिल्डिंग बची थी अगर क्वीन से निकल जाती है तो हो जाता ट्रिपल बट क्या कर सकते हैं पार्ट ऑफ द गेम किसी की रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते सेवन मिनट तक वेट एंड वॉच तब तक एक लूट हो गई तो एक वॉल अपडेट कर लेते हैं अपनी थर्टी नाइन बच्ची होंगी अब उम्मीद करते हैं टाउनोर फोर्टीन आने से पहले एटलीस्ट मेरा बेस पूरा फुल मैक्स आउट तो हो जाए बिल्डर बेस तो मैं खेलता नहीं भाई बिल्डर बेस का तो और भी हाल है सिक्सटीन <laughs> जब मतलब पता नहीं कितने टाइम से आई नहीं होंगे इधर तो मैं तब तक खेला था जब तक तो मेरे को सिक्स वाला बिल्डर चाहिए था उसके लिए जितनी चीज़ें चाहिए थी वो सारी कर ली मेगा टेस्ला हो गया जो भी मतलब चार चीज़ें होती हैं ना अब तो याद में नहीं क्या कहता हाँ ये कैनन कार्ट वाली सारी चीज़ें उसके से कभी विजिट ही नहीं किया भाई बिल्डर बेस को पता नहीं कौन ही सीरियसली खेलता भी होगा बहुत ही बोरिंग गेम मोड लगता है भाई मेरे को चलो देखते हैं बेस में क्या सीन है कुछ क्लेम हुए कि नहीं एटलीस्ट दो बेस तो क्लेम हो चुके हैं फर्स्ट अटैक आई थिंक थर्टी फाइव या फोर्टी मिनट पे ही आएगा तो तब तक तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं चलो तब तक ये रिक्वेस्ट की है फाइव मिनट किसका है टाइमिंग ये क्या हुआ भाई हम्म नुँ। नुँ। तब तक किसी क्लाइन नहीं चलता भाई मेरे को सी सी तो लिस्ट अच्छा क्लाइन ज्वाइन करूँ बैकग्राउंड लाइन ब्लूज कर लेते हैं उसमें मेरे पास i don't know what happened man yeah what are they gonna करते क्या चैट एक बार इसमें ऑन कर लेते हैं क्योंकि मैं पीसी अपने फ़ोन में भी आई ऑलरेडी गेव यू न्यूट्रिशन आई डिडंट हैव एनी आई थिंक आई डोंट नो अरे यार बड़ा पंगा है माय प्रोफाइल क्लाइंट इनवाइट्स यस प्लीज Can you invite me back, bro? <clears throat> I'm sending you again. Nothing. Ugh. <sighs> Let me join with second ID man. Hold on. Uh switch to second ID. <coughs> I think I, I don't know. Yeah, I got it. Come on, shut off. No, nah, no, nah, nothing man. I do see ID <laughs> क्या ही बोले भाई कभी कभी क्लैंड इनवाइट भी नहीं मिल पाता लीव uh, अः uh, मैं पॉज करता हूँ ताकि एटलीस्ट प्लान राइट लाइव अगेन चलो देखते हैं कितने देर से स्टार्ट होना फोर्टी एट मिनट हो गए आई थिंक थर्टी थर्टी फाइव पे आई थिंक स्टार्ट होते हैं तो तो कर तो गया मेरे रेज नहीं है एल लेजेंड लीग में भी नहीं है उस समय तो आउट ऑफ हो गया पता नहीं कल कितने अटैक किए दिखाएगा भी नहीं भाई अटैक आई थिंक मिस हो गए होंगे चलो फिर स्ट्रीम में देखते हैं मैं भाई कौन से हाइट से अपना बैठा हूँ रुको भाई रुको यूट्यूब का गड़बंगा स्विच हम भाई मास्टर अकाउंट वाला है <laughs> परफेक्ट इज लाइफ भाई मजे ले रहे हैं आप हमारे गलत बात आई थिंक चलो भाई फाइव के फाइव बेसिस तो एटलीस्ट क्रेम है लेफ्ट मैं uh, चैट में नहीं देख सकता नहीं तो चैट देखता तो पता चल जाता कि टीम ए कौन सी है टीम बी कौन सी है तो एटलीस्ट ये आइडिया लग जाता क्योंकि जो इवेंट मतलब जो चैलेंज भेजती है वो टीमें रहती है तो ज़्यादातर सामने मतलब अपोनेंट वाली टीम टीम बी अटैक करती है फर्स्ट अटैक मतलब ये फर्स्ट अटैक का भी रूल होता है ना कौन सी टीम स्टार्ट करेगी बट अब मैं चैट देख नहीं सकता तो जैसे देखते हैं फर्स्ट अटैक इनकी तरफ से आता है चलो बंदे बोलेंगे क्राइन में बैठ के भाई सी सी रिक्वेस्ट मार रहा है बंदा और कुछ नहीं कर रहा हम्म चलो कर ही लेते हैं भाई वैसे तो ये में, में है भी नहीं आउट हो गया आज ही हुआ हूँ शायद वापस एंट्री लेने का ट्राई कर रहा हूँ यार अटैक में सु जाते हैं भाई उसकी वजह से आउट ऑफ लेजेंड हो जाता हूँ भाई चार चार ग्राउंड एक्सपो बिल्कुल नहीं जाना मैं उस साइड से <laughs> क्योंकि उधर तो नहीं जाना भाई ट्रैप्स भी सबसे ज़्यादा साल उसी साइड से स्टार्ट होते हैं एयर डिफेंस चलो ये वाला मिल रहा है ना तो इस साइड से चलते हैं आ, थोड़ा सा बेबी ट्रैकन भी डाल लेते हैं बॉल ब्रेक करेंगे नहीं बॉल ब्रेक करेंगे आर्चर टावर के अराउंड रेज कर लेते हैं भाई तीन तीन ऐसे ऐसे कौन ट्रैप लगाता है भाई एयर डिफेंस के पास उसकी तीन रेड माइन निकली अलग ही चल रहा है भाई थोड़ा सा फाइनल और कर लेते हैं विस्ट टावर से आई थिंक विन मिल जानी चाहिए विदाउट हेड एंटर क्लोज गई भाई एक एक शॉट और पड़ता है तो मेरी क्वीन की एबिलिटी चली जाती है यहीं पर हमारी क्वीन धोखा देने के मूड में लग रही है मेरे को अरे भाई क्या है भाई क्वीन का आ, फनल। क्वीन अंदर नहीं गई भाई तो मेरा तो गेम खत्म हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि सिंगल मेरी क्वीन को क्वीन को आगे बढ़ने नहीं देगा ज्यादा कुछ फ्रीज करते किंग बैरक। अरे यार क्वीन प्लीज यार हीलर भी टारगेट होने लगे मेरी अब तो आर सी बैक और फर्स्ट हील जल्दी क्योंकि सिंगल <coughs> पे फ्रीज सीसी खाली था तो मेरे को पॉइजन की जरूरत नहीं पड़ रही एटलीस्ट और ब्रेक कर लेते हैं एक हेड कमॉन ऑडन एबिली थोड़ा और वेट करते हैं राइट right नाउ रेंटा भी अपना कवर हो गया क्वीन आई थिंक सिंगल ले लेगी सो so, उम्मीद करते हैं कि हमारी क्वीन टाउन हॉल भी दिला दें लास्ट हील पता नहीं कहां डालूं मेरा हाइब्रिड अलग-अलग कॉर्नर पे गया इस समय इवन आई थिंक लास्ट हील की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके विदाउट भी ट्रिपल हो जाएगा अपना इजी पीसी आई एम स्पेक्टेटिंग अटैक अच्छा तो एक बंदा इस समय बैठा है मेरे को लगा हो सकता है क्लाइन में कोई बंदा जी भाई <coughs> कैश खान हेलो ब्रो हेलो हिल भी डाली हो सॉरी पॉइजन भी डाली लेते हैं अदरवाइज होता क्या फिर अगली आदमी जो रेडी होके आती है उसमें मेरे पास फिर दो दो पॉइजन होंगे उस समय वो पंगा हो जाता है पीसी पीसी ट्रेन मेरा उस वाली आईडी में तो बूस्ट भी बर्बाद हो गया मेरे लगा था दो तो तीन अटैक कर लूँगा बट वाली आईडी में दंगा हो गया अभी यार उनका एक अटैक हो गया भाई अरे मेरे को लगा था थर्टी फाइव मिनट से स्टार्ट है अटैक्स इवन फर्स्ट रिपल भी हो गया वो स्टार्ट हुआ भाई भाई स्टार्ट हो गया मैं मिस कर गया एक अटैक डबल स्पीड है देखते हैं ई डी अटैक है किस पॉइंट से एंट्री आती स्टैंडर्ड ही है ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें मतलब फोर रेस फोर फ्रेस स्टैंडर्ड आर्मी है अच्छा तो बिल्प से फर्स्ट आउंड मिल चुका होगा बंदे को कोई ई टी आया तो उसकी वजह से हॉउ भी आउट हो चुका है तो हाउंड को डील करना पड़ेगा बंदे को देखते हैं हाउंड से खैर हीरो वाली जो फंडलिंग बनती है उसकी दिक्कत हो जाती है और तो कोई पंगा नहीं है क्योंकि अब जहाँ भी हीरो डालेगा पीछे पीछे आएगा हॉन्ट भाई कितना अटैक जल्दी होता है अगर मतलब इतना टाइम बंदे ने वेस्ट किया अगर तुम किसी और अटैक में इतना टाइम लेते ना हाउंड को क्लियर करने में तो तुम्हारा अटैक ही टाइम सेल हो जाता बंदा देख लो भाई उसने भी रिप्ले वन मिनट में एंड हो रहा है और भाई का भी इलेक्ट्रो मतलब ईडी स्टार्ट ही नहीं हुआ मतलब एक मिनट के अंदर अंदर पूरा बेस वाइप आउट हो गया भाई गजब भी फास्ट अटैक होता है ये वाला अटैक हो गया और जो एक वो वाला होता है इन्फर्नो बेबी ड्रैगन और स्कल्टन वाला वो भी लेजेंडरी में काफ़ी फेमस है

फोर्टी मिनट पर आएगा अगला अटैक तो अच्छा अगर हम काउंट करें भाई मेरे से मिस्टेक भाई मेरे को लगा थर्टी फाइव मिनट से स्टार्ट होने वही तो फोर्टी फाइव ही सही है यार काउंट कर लेना चाहिए क्योंकि फोर्टी फाइव मिनट से अगर हम पाँच पाँच के मिनट के इंटरवल में लें तो जो एर्थ अटैक होगा मतलब टोटल क्योंकि देखें वॉर में टेन अटैक ही होंगे तो जो आठवां अटैक होगा वो जाएगा टेन मिनट पर तभी जो हमारा लास्ट हिट आता है वो फॉर्म मिनट पे आता है वो दोनों टीमों के सेम सेम टाइम पे अटैक आते हैं एम डी राहत हेलो ब्रो हेलो लास्ट वाले अटैक में क्योंकि सेम टाइम पे होंगे तो किसी एक टीम का देखेंगे फिर दूसरे का बाद में रिप्ले में देख लेंगे या देखते हैं किसके ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे जैसे कोई एक टीम अगर परफेक्ट वॉर कर रही होगी तो उसका अटैक देखेंगे सिचुएशन पर डिपेंड करता है ये नाइट वॉक करना प्राइमरी मेरे को हर बार भूल जाता हूँ ऑनर ट्वेल्व पैसो कप नेक्स्ट किस वॉर का बेसिस आएंगे ऑनर ट्वेल्व आई डोंट नो मैंने आई थिंक अभी क्वार्टर फाइनल की दो वॉर्स कवर की हैं तो मोस्ट ऑफली थर्ड वॉर ही होगी लेट्स गो इस टीम की तरफ से भाई यही वाला इन्फर्नो ड्रैगन इसके लिए वाला टैगर है वही भी फास्ट अटैक ही होगा या तो ट्रिपल होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा नहीं तो इसमें टाइम फेल होने के चांसेस होता ही नहीं है या तो फेल होगा या फिर एकदम एक डेढ़ तो मिनट में पूरा का पूरा बेस निपट जाता है अगर हम लोग एंट्री की बात करें तो ट्वेल्व ओ से बंदे ने हीरो डाले थोड़ा फ़नल के लिए नाइन ओ क्लॉक पर हमारा एक इलेक्ट्रो ड्रैगन आया ताकि अपोजिट साइड फनल हो सके बीच हमारे सारे के सारे इन फोनों भी ड्रैगन आ गए स्वीपर और मल्टी को फ्रीज कर दिया गया और बाकी जितने भी मेन मेन डिफेंस होते हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अभी तक हमारे पास पाँच स्पेल तो ड्रॉप हो ही चुके हैं आ, मतलब स्कली वाले टोनेडो ट्रैप भी ट्रिगर हो चुका है हमारे पास ब्लिम्प थी नहीं मतलब हम लोगों ने स्टोन स्लैंड ड्रॉप किया था तो उम्मीद करते हैं कि बंदे के सारे के सारे ट्रूप्स आन और पर जाएँ जा भी चुके हैं तीन चार ट्रूप्स इनफ होते हैं और वार्डन एबिलिटी तो इसमें अर्ली पॉप होती है अभी हमारे पास आरसी आरसी की तरह ड्रॉप हुई आरसी भी ड्रॉप हो चुकी है सिक्स ओ की तरफ से और जितने ट्रूप्स मुझे अभी अलाइव दिख रहे हैं आई थिंक ये ट्रिपल है क्योंकि बेस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं केवल एक सिंगल एंड फ्रनो बचा है और एयर डिफेंस लास्ट वाला हमारी आर सी निकाल लेगी इसके बाद बेस में कुछ बचा नहीं ओ पी अटैक ये वाला अटैक भाई मेरे को बहुत खतरनाक लगता है मतलब इतनी जल्दी बेस खत्म होता है अभी समय का बैटल एंड देख कितना है भाई वन मिनट फिफ्टी सेकेंड तो मतलब लबल लबा लब बंदा ने कितना वन मिनट फिफ्टीन सेकेंड के अंदर अंदर पूरा का पूरा बेस उड़ा दिया भाई गजब ही अटैक होता है चालू होने के पहले एकदम ऐसा लगता है बस खत्म ही हो रहा खत्म ही हो रहा ओके okay, फाइनल्स कर दो सी डब्ल्यू एल के पहले पॉसिबल है तो यार अभी पता ही पता बड़ा पंगा होता है यार कोई हेल्प करने वाला बंदा हो तो बात अलग है यार कभी कभी तो खैर कुछ कुछ दिन कभी कभी जब रिपीटेड बेस मिल जाते हैं तब फिर भी मेरे लिए ईजी हो जाता है अदरवाइज आई बहुत डिफिकल्ट होता है यार क्योंकि अब पता नहीं क्या है जो भी है मेरी मेन ऑडियंस तो यार टाउन थर्टीन की है तो जब लोअर टाउनल पर डालते हैं तो इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट भी नहीं होता है मैं भी ट्राई करता हूँ कि टाउनल 13 पे मेन फोकस मेरा भी रहता है ऑबवियस बाय द वाइड जो बिकता है वही हो भाई है भाई क्या कर सकते हैं उसमें टाउनल थर्टीन पर ही रहता है बाकी टाउनल 11 और ट्वेल्व क्योंकि अभी क्वेस्टो कब चल रहा था तो मैंने सोचा कवर कर दूं वैसे भी बेसिस मिलते हैं उनके ज्यादा <coughs> टाउनल 13 <coughs> टॉनल थर्टीन ही है भाई ज़्यादा हर कोई हर एक का है भाई गेम गेम के एंड वाले ही प्लेयर ज़्यादा मिलते हैं भाई वो हर एक जगह पे उसमें क्या ही कर सकते हो अभी तो टॉनल फोर्टीन भी आ जाएगा भाई उम्मीद करते हैं सिक्स मंथ के अंदर अंदर आई थिंक आ जाएगा क्योंकि तब तक एटीन मंथ जो डेरियन बार बार बोलता रहता है कि एट्टीन मंथ्स में आना है एटीन मंथ्स में आना है तब तक आराम से कम्प्लीट भी हो जाएगा लेट्स भाई टॉनल फोर्टीन में क्या क्या आता है मज़ा तो आएगा भाई हर एक टाउन में वैसे तो डेरिन कई बार आ, मतलब अभी इवन जो जूडो स्लॉट के साथ इंटरव्यू हुआ था उसमें भी उसने बोला है कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन मतलब सुपर सेल के लिए एकदम सबसे ज़्यादा कंटेंट आएगा एक ये भी बोल सकते हैं भाई ऑबीस बात है कम्युनिटी मैनेजर ये तो बोलेगा भी हाइप करने के लिए लेकिन उसने कई बार रिपीट किया है ये वाली लाइन की मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी वन सुपर सेल के लिए मतलब सी ओ सी के लिए पर्टिकुलरली काफी अच्छा ईयर जाएगा तुम पता नहीं भाई क्या प्लान है उन लोगों का इस ईयर में लाने का बट बंदे ने दो तीन बार बोला तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ भाई कुछ ओपी चीज आए फोर्टीन तो है तो कंफर्म ही है अब ये बात अलग है कितने दिनों में आता है क्योंकि उसने कई बार बोला भाई अब वही हॉट हाँ टॉपिक भी ऐसे में टॉनलोड फोर्टीन कुछ पॉइंट्स मुझे लगते हैं यार जो अभी भी मतलब सुपर सेल को अगर नोटिस करे तो करें ये वाला ब्रेक तो जा ही नहीं पाएगा भाई क्योंकि वार्डन का एक ही शॉट से भाई निपट जाता है वॉल ब्रेक क्वीन अगर टैंक करती है फिर वॉल ब्रेक करता तो मिलती ही नहीं क्योंकि अभी अब मिलेगा नहीं वॉल ही नहीं टूट अच्छा नहीं आगे वाली भी ओपन है मैंने देखा ही नहीं था अगर टाउन हॉल के पास वाली जो वॉल है अगर ये ओपन नहीं होती तो अगला वॉल ब्रेक जाता है हॉल के पास मतलब पास वाली वॉल में और उसको ओपन करने से क्वीन हमारी अंदर नहीं जाती तो थोड़ी किस्मत भी अच्छी थी निकल चुका है और एटलीस्ट जो फर्स्ट शॉट जो भी पड़े सुपर मिनियन के वो सारे लोन पे गए थे तो हमारी क्वीन एटलीस्ट सेफ है थोड़ा फ्रीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट फाइनली आया आ, अच्छा फ्रीज था वैसे टाउन हॉल भी फ्रीज हुआ एक्सपो भी फ्रीज हुई सुपर मिनियन टाउन हॉल में मिल चुका है हमें सी सी डील हो चुका है अगला वॉल ब्रेक आएगा आई थिंक क्योंकि जब अभ, अभी हम देखें तो हमारी क्वीन जाएगी अपोनेंट क्वीन की तरफ तो उस साइड हो सकता है वॉल ब्रेक का तो वहाँ से हमें अपोनेंट की क्वीन मिल जाएगी और इसका टेस्ट रॉट मिल सकता है रेज नहीं ड्रॉप किया तो हो सकता है थोड़ा लेट हो गया वो सो अगला वॉल ब्रेक हमारे पास आ चुका है यहाँ मेरे को हाइब्रिड की पार्थिंग नहीं समझ में आई भाई इस साइड से तो हमारी क्वीन थी अगर अपोजिट साइड से डालते तो अच्छा होता क्योंकि इधर अभी क्वीन पे इतना हैवी डैमेज भी नहीं है बस ये है कि सिंगल वैसे इवेंचुअली मार देता बट चलो जो भी है जो भी प्लान हो भाई का हम्म अभी तो अगर हम देखें तो हमारी क्वीन इस समय तो लगभग लगभग वेस्ट ही जाएगी क्योंकि या तो वो बॉल तोड़ेगी या आउटसाइड घूमेगी और हमारे पास अभी कोर वाले मल्टी में कोई भी ट्रूप्स जाता दिख नहीं रहा है मेरे को ईगल के राउंड टेस्ला लाफा है वो तो आराम से डील हो जाएगा ऑडन एबिलिटी परफेक्ट थी क्योंकि ईगल शॉट उस समय आ ही रहा था खैर हमारी क्वीन आई थिंक मल्टी की तरफ ही जा रही तो हो सकता है क्वीन हमारी मल्टी डाउन कर दे हमारे पास अभी भी आरसी की एबिलिटी बची है एक हील था वो ड्रॉप हो चुका है और एक फ्रीज भी बचा है तो फ्रीज हो सकता है बैकेट में हमारे पास आरसी और स्कटर शॉट के लिए यूज़ हो जाए इतना अच्छा घर हमारे अभी तक क्वीन बची उस वजह से हमें मल्टी मिल जाएगा कोर वाला फाइनली बस ये उसने डाउन होने के पहले काफ़ी हैवी डैमेज दिया हमारे हाइब्रिड को क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो हमारे पास माइनर लगभग लगभग सारे के सारे वाइप आउट हो चुके हैं केवल दो तीन ही बचे हैं आरसी की एबिलिटी बची है और आई थिंक ट्रिपल हो जाएगा क्योंकि किंग अभी भी लगभग लगभग फुल एच में है हमारे पास कुछ विधाड़ भी बचे हैं और क्वीन पे कभी इतना ज़्यादा हैवी डैमेज आया नहीं कि उस हमारे भाई ये क्वीन देखो शुरू में ही बोल दिया था जैसे एवरेड की बाथिंग बनी थी क्वीन वॉली तोड़ेगी या फिर आउटसाइड घूमेगी ज़्यादातर देर देर तक तो वॉली तोड़ती रह गई थी लेकिन जो भी है फाइनली तो भाई ट्रिपल ही मैटर करता है चाहे तुम जहाँ से एवरेड स्टार्ट करो बढ़िया परफॉर्मेंस जा रही भाई दो की दोनों ही टीमें ट्रिपल पे ट्रिपल ठोके बढ़ी आ... अबे इनकी तरफ से दो अटैक सेम टाइम पे आए क्या ये क्या हुआ वन मिनट आएगा वन मिनट आएगा ये क्या हुआ भाई कुछ तो हुआ है बेचारे लग रहा मिस्टेक हो गई दोनों टीमों को प्लेयर्स टाइम नहीं डिसाइड कर पाए उन्होंने कौन सा अटैक देखा था मेरे को तो ये भी नहीं याद है चलो अब तो जो हो गया तब तो, तो, तो देख ही सकते हैं देखते हैं ये वाला अटैक देखा था कि कौन सा देखा था? ये तो देखा ही था भाई दूसरा देखते हैं फिर हो सकता है प्लेयर्स मतलब मिस्टेक हो गई हो कि किसको पहले करना है किसको नहीं ये वाला अटैक हुआ है ड्रैग बैट जल्दी कर लेते हैं कि शायद पाँच मिनट बाद हमारी टीम की तरफ से अटैक आने लगेगा तो डबल स्पीड में देखते हैं ब्लिम ओ भाई ब्लिम पहुंच जाएगा टाउन हॉल तक ये कैसा था मिल गया खैर बड़ा रिस्की ब्लिम था लेकिन टाउन हॉल लेने के लिए क्योंकि अगर वहाँ हल्का सा भी टोनेटो या दो सैम भी अगर पड़ती पटाखे क्योंकि बंदे ने ना कोई हाउंड ड्रॉप किया था ना कुछ भी सिंपल स्टैंडर्ड एय टी ड्रॉप किया मतलब ब्लिम ड्रॉप किया था तो <क्यों> so, जो भी है खैर हमारे पास अभी हम अगर देखे है तो हमारे ड्रैगन लगभग लग लगभग कोर तक जा चुके हैं मल्टी मिलने के बाद स्प्लैश डैमेज के वाले एक बचेगा वो बचेगा स्कटर शॉट पे और टेस्टला फार्म आई थिंक हमारे हीरो डील कर सकते हैं क्वीन वॉल के अंदर चलेगी उस वजह से क्वीन की कुछ खास वैल्यू भी मिलेगी नहीं आर से उसने एक विदाउट टावर को टैंक कर लिया स्क्रटर शॉट पर एक फ्रीज़ कर दिया और आर एबिलिटी बची हुई है तो लास्ट वाला टेस्ला फार्म आर सी मिल जाएगा इवन उसकी ज़रूरत पड़ी भी नहीं ज़्यादा लास्ट में सैम पड़ी गया या कुछ तो पड़ा भाई इधर या टोर्नेडो निकला था कुछ तो निकला था भाई क्योंकि इसके जितने बैट्स थे सारे के सारे लास्ट में वाइप आउट हो गए चलो भैया अगला अटैक देखते हैं इसके बाद देखते हैं क्या बदल क्योंकि लास्ट मोमेंट में आई थिंक या तो टोर्नेडो होगा मैं मिस कर गया क्योंकि फिर सारे के सारे बैट्स तो खत्म हो गए थे लास्ट मोमेंट में अब पता नहीं भाई सेम टाइम पर अटैक करने की कुछ पेनल्टी होती है कि नहीं क्योंकि सेम टाइम पर अटैक करना अलाउ तो नहीं होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई दोनों बंदों में कि कौन पहले जाएगा कौन पहले जाएगा होता है भाई कभी कभी क्या कर सकते हैं वन मोर मिनट अच्छा ऐसे लाइव स्ट्रीम वाली आ, मतलब बॉर और अच्छी लगती है तो मैं और टू ट्राई करूँगा अभी तो मैंने आई थिंक तीन आई थिंक थर्ड वॉर होगी जो मैंने स्ट्रीम की है। <laughs> और ये टाइम भी मेरे को सूट करता है मतलब नाइट का टाइम रहता है भाई मैं भी फ्री रहता हूँ या तो कोई पंगा भी नहीं है इससे मैं शोर और होने के चांसेस भी कम रहते हैं भाई दिन में अगर कभी स्ट्रीम करो तो दिन में बड़ा पंगा होता है भाई क्योंकि भाई मेरे पास तो कोई वैसा माइक है एक तो है नहीं कि भाई बैकग्राउंड नॉइज़ कम कर देगा कुछ कम कर देगा पता लगा दिन में बाहर का शोर आ रहा है सब कुछ समय रात में शोर भी कम होता है इस समय लेकिन भाई ऑफेंस सही में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कल भी जो मैंने मतलब कल की थी कि परसों की थी कल की थी थिंक कल भी जो वो स्ट्रीम की थी हाँ उसमें जो टीम विन की थी उन्होंने फोर्टीन स्टार मारे और जो एक अटैक फेल हुआ था वो गया था नाइन्टी नाइन परसेंट और वो भी थोड़ी मिस्टेक की वजह से अदरवाइज वो भी हंड्रेड जाता तो कल की टीम भी परफेक्ट मारी थी और इस समय तो अभी तक चार अटैक हुए चार के चारों ही ट्रिपल गए ऑफेंस तो इस समय गजब वो पी वाई हर दूसरा तीसरा बेस ट्रिपल हो जाता है सो हाइब्रिड है और क्विंटा से आई गेस टाउन हॉल लेने का प्लान है देखते हैं फनल किस साइड से होता है एक और वॉल ब्रेक आई डोंट नो ये वॉल ब्रेक किस लिए है हो सकता है कि अगर क्वीन जाए लेफ्ट साइड हो जाए तो उसके लिए पहले से ही वॉल ब्रेक कर दिया क्या मेरे को वॉल ब्रेक तो अभी भी नहीं समझ आया किस लिए क्योंकि क्वीन तो हमारे अंदर जा चुकी है एक कोको लून थोड़ा सा लेट वजह से ले है, उस हमारी एक सैम की वजह से एक हीलर जरूर मर गई टाउन हॉल तो आए के समय मिल जाएगा सीसी में देखते हैं क्या निकलेगा तीन आर्चर है तो मे भी हो सकता है हाउंड निकले नहीं हाउंड तो नहीं है सुपर मिनियन है और हेड एंटर और सुपर मिनियन पे आएगा ओ भाई सिंगल गलत टाइम पे लॉक हो गया है आई थिंक बंदे के पास अभी दो फ्रीज हैं तो हो सकता है बचा ले जाए क्योंकि सिंगल तो काफ़ी देर बजाएगा भाई फर्स्ट फ्रीज ड्रॉप हुआ सिंगल पे टेस्ला फार्म भी अच्छा है एटलीस्ट अर्ली डील हो गया तो हमें बाद में डील नहीं करना पड़ेगा अपने हाइब्रिड वाले पार्ट से एक और फ्री सिंगल पे परफेक्ट अब सिंगल में मिल जाएगा तो हमारी क्वीन इधर सर्वाइव कर जाएगी किंग हमारा आउटसाइड जाने के बजाय अंदर आ गया है तो फिर से वही पंगा या तो वो वॉल तोड़ेगा या फिर उसकी कुछ खास वैल्यू मिलेगी नहीं खैर पाथिंग तो अच्छी लग रही है मेरे को हाइब्रिड के लिए टाउन हॉल मिलने के बाद जो बढ़िया एकदम कॉम्पैक्ट पार्थिंग है इसमें सही है क्वीन के पास रेज भी डाल दिया हील भी डाल दिया एबिलिटी हमारी ऑलरेडी यू, यूज़ हो चुकी थी तो कोर में यूज़ नहीं कर सकते हमारी क्वीन मर चुकी है और किंग आई डोंट नो अच्छा किंग भी मर गया है अब थोड़ा रिस्क लग रहा है मेरे को खैर ये है कि कोई भी सिंगल इन्फर्नो नहीं है तो हमारी आर सी एटलीस्ट सर्वाइव कर सकती है आई थिंक ट्रिपल है ये भी क्योंकि क्या डिफेंस बचा केवल दो ही डिफेंस बचे एक आशा टावर बचा है एक विजार टावर बचा है वो आराम से चला जाएगा क्योंकि अभी भी हमारे पास हाइब्रिड में काफ़ी है इवन क्लीनअप के लिए बंदा पता नहीं कितने विजार्ड विजार्ड लेके आया तो विजार्ड हैं मिनियन है ई सी पी अभी तक तो भाई दोनों ही टीमें परफेक्ट परफेक्ट चल रही हैं <coughs> कोई पीछे हटने को तैयार नहीं भाई डबल परफेक्ट वॉर देखने को मिलेगी क्या भाई आई डोंट नो मैंने देखी है कि नहीं कभी so भाई मैंने तो नहीं देखी हो सकता कभी ना कभी हुई तो होगी कभी ना कभी तभी तो मेरे को याद नहीं आ रही भाई मैंने कोई देखी हो एक टीम से तो फिफ्टीन स्टार तो कह कॉफी वॉर में देखे अभी सैंग डांस ने किया था एटीएन को तो ऐसे तो फिफ्टीन और बहुत होते रहते बट देखते हैं दोनों टीम करती हैं कि नहीं कोमिलिया का तो वैसे भी एक विकेट अर्ली आ चुका है तो आई डोंट नो कि इस टाइम पे अटैक आएगा भी नहीं कि ट्वेंटी नहीं। फाइव मिनट पर क्योंकि उनके भी सेम सेम टाइम पे दो अटैक आए थे उस वजह से हो सकता है ट्वेंटी फाइव मिनट पे कोई अटैक ना हो या पता नहीं देखते हैं। <laughs>

ऑलरेडी क्लैन है यार इससे ना तो वैसे रिक्रूट करना भी बड़ा टफ होता है भाई किसी प्लेयर को क्योंकि इतना टाइम हो चुका है गेम में कि हर किसी प्लेयर की किसी ना किसी क्लाइंट के साथ ऑलरेडी मतलब बोल सकते हैं लॉयल्टी बन चुकी है कि इस समय कोई प्लेयर अपना क्लाइंट लीव ही नहीं करना चाहता है बहुत रेयर ही मिलते हैं कि कोई दूसरा क्लाइंट ज्वाइन करें इस समय तो भाई रिक्रूटमेंट बहुत टफ है दू ने भी तो पूछा अभी तो भाई उसमें इवन जो प्लेयर सर्चिंग वाला तो ग्लोबल बैठ गया तो इसमें इस तो प्लेयर भी नहीं मिलते भाई जो सर्चिंग वाला ऑप्शन सुपर सेल ने दिया है मशीन लर्निंग के नाम पे वो तो और ही गंदा काम करता है भाई गुड नाइट कपीश खान गुड नाइट भाई गुड नाइट 25 मिनट पे उनका तो अटैक नहीं आया तो अगला अटैक 20 मिनट पे आएगा हमारी टीम की तरफ से Oh. Mm -hmm. आज व्हाट्सअप चेक ग्रुप लोग कोई बंदा बोल रहा था कि पबजी टू पॉइंट हो करके कोई नाम आया गेमिंग का सर्चेस तो मैंने भी किया था आई थिंक कुछ ना कुछ आया तो है बट ये है कि इंडिया में की, की बैन है तो इधर तो वैसे भी कोई खेलने को नहीं मिलेगा बट लो जो लोग बेचारे वॉरियर क्वीन ली भाई कहाँ मिली भाई घंटा भाई गरीबी छाई हुई है <laughs> भाई कोई मेरे गोल्ड पास तो भाई करता नहीं भाई तुम इसके लेने की बात करो देख रहे हो भाई ये गेट गोल्ड पास दिखा रहा है भाई गोल्ड पास तक तो, तो लेता नहीं तो आज तक जो बाई किया है आ, क्या क्या बाई किया था हाँ एक ही केवल सीनरी बाई की थी इवन एक ही सीनरी है आज तक बाई एटलीस्ट दोनों आईडी में है तो बस एक यही चीज़ है जो बाई की थी इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बाकी मेरे पास जितनी भी हीरोज़ की स्किन है वो सारी वो जेम वाली होंगी जो फिफ्टीन हंड्रेड जेम से मिल जाती हैं इसके अलावा तो कभी कोई मिलता ही नहीं अब तो जेम्स भी कम हो होगा भाई अब तो सारी स्किन भी नहीं उठा पाता हूँ ख़त्म होने वाला मेरे तीन हज़ार <laughs> बहुत कम इन्वेस्टमेंट किए फ्री टू प्ले वाला मोड चलता तो एनिमेशन अच्छा फिर भी नहीं लगा। क्वीन वाली बहुत सही लगी थी मेरे को बट यार नहीं क्या कर सकते इसे मैं तो सीनरी भी मेरे को अब की बार वाली अच्छी नहीं लगी थी ये वाली जो मैंने ली थी, ये वाली सीनरी मेरे को फिर भी अच्छी बार जो हॉक माउंटेन वाली करके जो अभी सीनरी आई थी मतलब उस चैलेंज के साथ विंटर सीनरी क्या नाम था नाम तो मेरे को याद नहीं वो सीनरी भी कुछ खास लगी नहीं <coughs> इसमें थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी चीजें इधर कहीं वेल्स भी दिखती है थोड़ी देर नोटिस करो देखते हैं दिखती है कि नहीं पॉप आउट थोड़ी देर में दिखती है इतना तो मेरे को पता है सरफेस में आती है अच्छा यार ये देखो ये <laughs> कभी कभी दिखती थोड़ी देर के लिए थोड़े से मोमेंट के लिए होते फिर तो चले भी जाते ये भी लगता है। और नहीं भाई कोई नहीं लिए। आज तक यही एक है पता नहीं इसका नाम क्या था पे देखेंगे क्लिक करता है क्या नाम था इसका पायरेट सीनरी एक ही सीनरी भाई आज तक उसके अलावा और कोई नहीं भाई की। वन मिनट ट्वेंटी सेकंड के बाद अगला अटैक आएगा अब ऐसा बताया सबसे ज़्यादा पंगा क्या होगा क्योंकि कोमलिया के ऑलरेडी दो अटैक सेम टाइम पे आते हैं तो अगर वो परफेक्ट वॉर भी कर दे और ई एम रीजेंट बीना भी परफेक्ट वॉर कर दे तो उनके कुछ ना कुछ तो स्टार कट होंगे होंगे सेम टाइम पे अटैक करने कुछ ना कुछ तो पेनल्टी होती होगी हर एक उसमें रहता है चलिए बता चलिए कुछ ना कुछ तो पेनल्टी होती है तो भाई पता लगा वो लोग फिफ्टीन स्टार करें उसके बाद भी हार जाएँ सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी भाई वाली चीज तो यूट्यूब से मिलते होंगे ना मिलते तो भाई सारे चले भी तो जाते हैं अभी जितने बने थे सब के सब तो मैं टैप पे उड़ा दिया जितने और बनेंगे उनसे फिर कुछ और चीजें अच्छी लूंगा यूट्यूब से तो जितना मिलता है वो ज्यादातर अपनी इसी चीज़ों में लगा देता हूँ भाई अभी अगर और बनेगा तो भाई और माइक एक लेने का मेरा प्लान था थोड़ा बहुत कुछ अच्छा पीसी तो खैर भाई बहुत महंगा पड़ता है चलो जो अभी अभी अटैक की बात करते हैं हाइब्रिड है लट्सिकधर से किधर से एंट्री आती है मल्टी वॉल तो एटलीस्ट ओपन हो गई सो हो सकता है मल्टी पे क्वीन चार्ज होगा उसके बाद देखते हैं मल्टी के बाद टाउन हॉल पर क्वीन चार्ज ले जाने का प्लान है कि टाउन हॉल पर हाइब्रिड जाएगा पता नहीं लेट्स सी सुपर ट्रूट सुपर ट्रूट में मेरे को सबसे अच्छा लगता है भाई सुपर वॉल ब्रेक क्योंकि किसी की भी आर्मी में देख लो एक ना एक सुपर वॉल ब्रेक तुम्हें कंफर्म मिलेगा भाई उससे बेटर और इवन उसके बाद से पूरा बेस बिल्डिंग का उसने मेटा भी चेंज कर दिया पहले ऐसी ओपन वॉल नहीं मिलती थी सुपर वॉल ब्रेक जब से आया तब से सारी की सारी ओपन वॉल सीखने लगी हैं बेस बिल्डिंग में लोगों ने थोड़ा बहुत चेंजेस लाए सो नाइन ओ क्लॉक वाला हमारा जो साइड है मल्टी वाला कंपार्टमेंट वो पूरा का पूरा हमारी क्वीन डील कर लेगी और टाउन हॉल भी आएगा टाउन मतलब सॉरी सी सी भी टाउन हॉल लेने के पहले पहले लोअर आउट हो जाएगा तो मैं उसकी भी टेंशन नहीं है और ये वाला सी सी तो हमारे क्वीन चार्ज के लिए ईजी भी रहता है सुपर मिनियन वाला फिर भी थोड़ा सा टफ होता है डील करना ये वाला सी सी उसके लिए टफ होता है जब कोई लालो करता है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसकी क्वीन काफ़ी देर तक बिजी रहती है बट हाइब्रिड में ये वाला सी सी ईजी रहता है थोड़ा सा उसने फनल कर लिया आई डोंट नो अभी क्वीन अंदर जाएगी कि नहीं थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि कुछ आउटसाइड की उसने बिल्डिंग उड़ाई नहीं है तो क्योंकि हमारा हाइब्रिड तो पूरा का पूरा ही ड्रॉप हो चुका है तो उसको टाउन हॉल क्वीन से एक्सपेक्ट कर रहा है बंदा किंग भी हमारा अच्छा खासा फनल बना रहा है देखते हैं अभी क्वीन कहाँ जाती है क्योंकि क्वीन वॉल तोड़ भी सकती है वॉल तो नहीं तोड़े खैर मेरे को लग नहीं रहा नहीं वॉल तो नहीं तोड़े क्योंकि कंपार्टमेंट हमारा क्लियर हो चुका है बंदे ने हील नहीं ड्रॉप किया ना आई थिंक अभी तक नहीं एक हील हो चुका है मॉडर्नेबिलिटी परफेक्ट टाइम पे दे दी क्योंकि उधर हीरो थे उस वजह से काफ़ी डैमेज आ रहा हो अभी टाउन हॉल रीचेबल था क्या आउटसाइड से ये मैंने देखा नहीं तो मेरे को लगा था कंपार्टमेंट के अंदर जाना होगा ये तो और ही अच्छी चीज़ थी भाई मेरे को तो लग रहा था टॉनल नॉट रीचेबल होगा अब तो मेरे को लग रहा है ट्रिपल हो जाएगा बंदे के पास अभी भी एक रेज बचा है आर सी एबिलिटी तो जा चुकी है बट हमारे पास भी अभी काफ़ी सारे हाइब्रिड हैं एक फ्रीज़ है एक रेज है इतना इनफ होना चाहिए बेस को ट्रिपल करने के लिए टाइम भी इनफ है फिफ्टी सिक्स सेकेंड है आराम से हो जाएगा इतने में तो लेकिन हमारा हाइब्रिड अब काफ़ी हद तक यार वाइप आउट हो चुका है अब हमारा केंगी बचा है केवल हो जाएगा यार क्वीन की एबिलिटी बची आराम से भाई टाइम फेल होने के चांसेस भी नहीं है रिसेंट hmm. विनिया बहुत डॉट डॉट से भाई सामने वाले बंदे भी उतनी ही तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई ये भी परफेक्ट चल रहा है सामने वाली टीम भी परफेक्ट चल रही है दो के दोनों ही क्लाइंट लगे पड़ेंगे भाई ना हम पीछे हटेंगे ना तुम पीछे हटो चलो अगला अटैक तो उनकी तरफ से आएगा मिनट के राउंड चैम्पियन में बेला था हमारी क्लाइंट को हाँ तो अभी इनका रिसेंटली इसी इन्हीं के तो में में गया था आई थिंक इनकी था थर्ड रैंकिंग थी जब इनके सी डब्ल्यू के हिट रिकॉर्ड किए थे क्लाइंट तो अच्छा भाई अभी ये कौन सी उसमें फाइनलिस्ट बने देखिए फाइनलिस्ट जीते भी थे आई थिंक बने थे फाइनल जीते नहीं थे आई डोंट नो या तो हो सकता है जीते भी हो अभी कोई एल का मैच हुआ था ना जिसके फाइनल तक ये गए थे, थे बंदे मेरे को याद नहीं है मतलब जीते थे कि नहीं फाइनल तो गए थे जिसमें बेस्ट ऑफ थ्री मैच हुआ था इतना तो मैं क्लाइंट अच्छा इस समय अच्छा क्लाइंट का भी मिस्टर एंड मिसेस मुश्ताबा वीडियो देखा जो उसका चैलेंज वाला था कि उसके बाद अगर नहीं देखा मैंने चैलेंज वाला देखा उसके अलावा नहीं देखा हाँ स्ट्रीम टाइम में चल रहा है हाँ यार टाइम में चल रहा है तभी मेरी क्वालिटी बड़ी लो हो जाती है आई डोंट नो वाई भाई मैं सर्च भी किया बट कुछ मेरे को सोल्यूशन मिला नहीं पता नहीं क्या पंगा है भाई तो मेरे फ़ोन पे इससे अच्छी क्वालिटी दिख जाती है नेट का तो इशू नहीं होगा भाई ऑबिस से बात है मैं फ़ोन पे कई बार किया हूँ ये मतलब अपने फ़ोन में आया तो पता नहीं क्या सिस्टम है भाई जब भी स्क्रीन स्विच करो हल्का सा लैग भी दिखता है पता नहीं क्या पंगा है चलो जो भी अपना हम अगले अटैक की बात करते हैं और ये अटैक है आई थिंक सुई लालो है परफेक्ट हाँ सुई ला लो है क्योंकि हमारे पास ना कोई ब्लिजार्ड है ना कुछ है वैसे ये वन ऑफ द टफेस्ट अटैक होता है भाई मतलब इसको एग्जीक्यूट करना बहुत टफ होता है बस ये है कि ये वाले अटैक बेटेड कम होते हैं तो तुम एटलीस्ट किसी एंट्री में बेट तो नहीं होगे बट देखें हमारे पास अब एक सुई हीरो जा रहा है आ, हमारा किंग बाहर जाएगा कि अंदर आ जाएगा वापस अरे भाई टेस्ला फार्म मेरे को तो इस इसका बहुत गड़बड़ होता लग रहा है भाई कि की, किंग बाहर जा चुका है क्वीन आउटसाइड बिल्डिंग लेने के बाद एबिलिटी पॉप हो चुकी है सो आई डोंट नो कितनी वैल्यू उसने एक्सपेक्ट की होगी स्केटर शॉट और क्वीन तो एटलीस्ट हमें मिल गई है आर सी की एबिलिटी मिलेगी कि नहीं लो भाई हेडनटे ने आर सी की एबिलिटी भी नहीं लेने दिया हमें सो लेट सी लेट सी भाई ये वाला अटैक अभी तक तो भाई सब उल्टा सीधा जा रहा है क्या हमारा इस वॉर का फर्स्ट डिफेंस आने वाला है इवन हेड एंटर पॉइजन के भी बाहर जा चुके हैं के दोनों ही पॉइजन के बाहर हैं भाई ऑन एक हेड एंटा तो मर गया चलो दूसरा मर गया अब उसको हाउंड को कहीं और भेजना पड़ेगा अदरवाइज हाउंड हो जाएगा पॉप और वो स्विच कर नहीं रहा है तो हाउंड तो होगा पॉप इसका मतलब मैं हाउंड से भी डील करना पड़ेगा और बंदा लालो अलग एंगल से ड्रॉप कर रहा है टाउल पर एंड करने का प्लान है क्या बाइगा ये तो और ही रिस्की गेम हो रहा है और इवन भाई टाइम में ड्रॉप हो चुका है मतलब ओ भाई ओ भाई ये तो याद या तो मेरे को लग रहा है ट्रिपल हो गया वन स्टार होगा और ट्रिपल होने के चांसेस कम है क्योंकि इतना सूई इतना अच्छा गया लेट्स सी भाई वन स्टार ना हो जाए भाई तो और ही उल्टा हो जाएगा पूरा दो फ्रीज तो हमारे मल्टीप ही चले गए लालो हमारा राइट साइड पे तो पूरा खत्म हो रहा है भाई मेरे को तो वन स्टार दिख रहा है इस समय ऑर्डिनेबिलिटी तो रिप है भाई ऑडनेबिलिटी होल्ड कर रहा है कि अगर टाउन हॉल मिल सके एक रेज बचा है तो अगर हमारे स्टोन स्लैमर वाले टाउन हॉल पे ही डायरेक्ट जाएं तो रेज से मिल तो जाएगा मैं टाउन हॉल मिल जाएगा रेज भाई, भाई सच में कितना क्लोज अटैक भाई पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं हम तो उतना फील होता है भाई सीधे टाउन हॉल पर ही घर घुस जाते हैं भाई उस समय तो हम रिस्क ही नहीं लेते अपोजिट साइड से जाने का क्योंकि उसका सूई बहुत बुरा फैल गया था उसके बाद भी अपोजिट साइड से एंट्री ट्राई करना भाई चलो एटलीस्ट एटलीस्ट दो स्टार तो सेफ है ये बात अलग है कि भाई परसेंटेज परसेंटेजेंटेज नहीं मिल पाएगा बंदे को हार्ड लक भाई हार्ड लक ये थोड़ा सा जो टेस्ला फार्म इधर जो दो टेस्ला निकले थी ना उसकी वजह से सब कुछ हो गया अगर इसका किंग अंदर चला जाता तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती बट क्या कर सकते हैं भाई कभी कभी होता है रिस्की खेला भाई भाई, भाई बहुत रिस्की खेला वो बहुत किस्मत अच्छी थी क्योंकि अगर हम देखें स्टोन स्लैमर जहाँ ये एड मतलब टाउन हॉल के पीछे जो भी उसने बिल्डिंग ली है उसके अगर टाउन हॉल के अलावा कहीं पे भी, भी और जाता तो भाई इसका श्योर शॉट था क्योंकि स्टोन स्लैमर अगर वहाँ तक नहीं पहुँचता तो भाई कन्फर्म था उसको वन स्टार हो जाता थोड़ी किस्मत भी अच्छी थी अब आई डोंट नो इतना रिस्की क्यों खेला जो भी है भाई फाइनली उसको दो स्टार मिल गया बस अब तो भाई ई एम के पास और भी अच्छी खासी लीड है ऑलरेडी ये बैक टू बैक ट्रिपल पे हैं और उनका uh, कोमिलिया का क्योंकि सेम टाइम पे दो अटैक आए थे तो उसका भी कुछ ना कुछ होगा डिसएडवांटेज और एक लो परसेंटेज तो इस समय तो भाई लीजें डिवेनिया के हाथ में है ये वाली वॉर प्लीज़ सी माई बेस भाई बेस विज़िट नहीं कर रहा हूँ यार इस समय और स्ट्रिप कर रहा हूँ भाई 12 बारह मिनट अभी दो मिनट बाद आएगा अगला शुरुआत के तो दो तीन अटैक तो बड़े तगड़े तगड़े गए थे कोमिलिया ने भी आई थिंक फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रो ड्रैगन से स्टार्ट किया था डिजेंट डवीलिया ने जो फर्स्ट अटैक किया था वो आई थिंक इन्फर्मोलोल बेबी डैगन और स्केली वाला अटैक यूज़ किया था तो वो भी अटैक ओपी गया था अब वाले अटैक भाई बहुत जल्दी फास्ट ख़त्म भी होते हैं उनके दो के दोनों ही अटैक मैंने देखे थे मतलब थोड़ा बहुत फनल लनल को अगर इग्नोर करते तो उनका पूरा का पूरा जो अटैक खत्म हुआ था वो लगभग लगभग वन या ट्वेंटी सेकेंड के अराउंड पूरा पूरा अटैक वाइप आउट हो चुका था एकदम ही फास्ट अटैक होता है भाई वाला <coughs> ये भी अच्छा कह रहा है अलग अलग क्लाइन में विजिट करो तो अलग अलग अटैक्स देखने को मिलते हैं कल जैसे जिस क्लाइन में मैंने स्ट्रीम की थी वो वाले बंदे वो वाले अटैक बहुत यूज़ कर रहे थे सुपर पैका स्मैश वाले जिसमें पैका और सुपर विजार्ड यूज़ करते हैं और आई थिंक उन्होंने पांच में से तीन अटैक यूज़ किया थे सुपर पैकेश मैच वाले और गला गंदा रेट था भाई उनका खतरनाक क्योंकि उनका फेल्ड अटैक ही नाइन्टी नाइन परसेंट गया था जो एक फेल हुआ था चाइनीज आर्मी नहीं जिसको बोलते हैं लेजेंड लीग में लेजेंड लीग में टॉप प्लेयर काफ़ी यूज़ करते हैं जैसे जी वाई वाई है निशांग डांस का वो लीडर बोर्ड में रहता है उसके आईडीज़ नेम अलग अलग रहते हैं बट जी वाई वाई की कई आईडीज़ हैं जो लेजेंड लीग में खेलता रहता है वो भी आर्मी बहुत यूज करता है पेका सुपर विजार्ड वाली। इस समय तो वैसे सी ओ सी में भी भाई भाई इतने अलग अलग अटैक देखने को मिल जाते हैं नहीं तो अभी अभी मेरे को याद है जब टाउन हॉल हो ट्वेल्व होता था तब इतने अटैक ही नहीं मिलते थे तो उस समय क्या होता था भाई टाउन हॉल ट्वेल्व में जब था तो मेरे को याद है या तो मेरे को पैका स्मैच देखने को मिलता था स्टैंडर्ड या फिर लालो अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो और बहुत ज़्यादा अगर कोई रिस्की खेलता है तो चार्ज डालो कर लेता था आजकल तो भाई टाउन हॉल थर्टीन पे देखो इतने अलग अलग अटैक देखने को मिल जाते हैं राकेश रावत हेलो ब्रो हेलो भाई रिप्लाई दो दे रहे भाई दे रहे बिल्कुल हाइब्रिड और बंदे ने सीज बैरक से ब्लिप में स्विच किया तो आई थिंक टाउन हॉल मिल जाएगा हमें ब्लिप से लेट्स सी स्वीपर से इतना डैमेज आ नहीं रहा है सीसी भी लोअर आउट हो चुका है तो मैं सीसी भी मारने ईजी रहेगा बाद में रेज ड्रॉप नहीं कर रहा हो सकता है बंदा स्निकी लेके आयो हाँ स्निकी थे अभी दो दो स्प्रिंग टैप से ही उड़े सो स्निकी से टाउन ऑन मिल चुका है उधर क्वीन पे कोई हैवी डैमेज नहीं है तो विदाउट रेज मतलब सिंगल पॉइजन से भी काम चल सकता है तो जिस हिसाब से पाथिंग क्रिएट हो रहा है आई डोंट नो यार क्वीन आई थिंक ट्वेल्व से नाइन ओ क्लॉक की तरफ जाने का प्लान होगा लेट्स सी सो अगर देखे तो हो सकता है वॉल ब्रेक होगा कैनन वाले कंपार्टमेंट में और सिंगल की अरे नहीं क्वीन ही अपोजिट साइड चली गई बंदे को प्लान स्विच करना पड़ेगा क्योंकि साफ साफ लग रहा था कि इस साइड से तो बंदे का एंट्री लेने का प्लान ही नहीं था भाई क्या वॉल ओपन की भाई ने सुपर वॉल ब्रेक ने दो दो लेयर वाली चलो खैर इधर भी प्लान स्विच कर सकते हैं इतना इशू होगा नहीं अपडेट में ये तो एटलीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है भाई थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी हो तो तुम अपना प्लान रोटेट कर सकते हो किंग ड्रॉप हो चुका है सीज बैरक तो है नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्लिप यूज़ कर चुके हैं तो हमको जितनी भी फनल करना है सारा का सारा हमें किंग से ही करना पड़ेगा हमारा हाइब्रिड भी आने वाला होगा ही जल्दी से जल्दी अदरवाइज हमारी क्वीन पे बहुत हैवी डैमेज आने लगेगा क्योंकि उधर अगर हम देखें तो हमारे पास वार्डन है किंग है तो अगर हाइब्रिड ज़्यादा लेट हुआ तो काफ़ी हैवी डैमेज आएगा वॉडनेबिलिटी आई डोंट नो एक्सीडेंटल थी कि जानबूझ के यूज़ की शुरू में इतना हैवी डैमेज तो नहीं था ना ईगल शॉर्ट पड़ रहा था आई थिंक जब उसने वॉडनेबिलिटी यूज़ की आई डोंट नो हो सकता है मिसक्लिक हो गया हो सो so, अगला वॉल ब्रेक हमारा आ रहा है तो एटलीस्ट वो क्वीन को कोर तक पहुँचा देगा और अपोनेंट क्वीन भी डील हो चुकी है अभी हमारे पास आर फुल एच में है विद एबिलिटी एक हील बचा हुआ है और एक फ्रीज बचा हुआ है इस बो कर लेते हैं अपोनेंट आर सी बची हुई इस समय ज़्यादा डैमेज देने के लिए लास्ट वाले इन्फर्नो के लिए आई थिंक हम लोग फ्रीज बचा के रख रहे होंगे क्योंकि अब मेरे पास आर सी बची हुई है अवेलेबिलिटी तो अगर वो फ्रीज हम लोग सिंगल पे डाल देंगे सिंगल राउंड हो जाए उसके बाद तो बेस में कुछ बचेगा नहीं बाकी सारा बेस तो हमारी आर सी उड़ा देगी और आई थिंक ये वाला बेस भी ट्रिपल लग रहा है मेरे को ट्रिपल है भाई थर्टी थ्री सेकेंड है इनफ है इवन एक फ्रीज हम लोगों का स्वैग हो गया तीन के तीनों हीरो लगभग लगभग अगर हम आर सी की हाफ एच पी को इग्नोर कर दें तो लगभग लगभग फुल एच पी बोलेंगे तो गजा भी अटैक गया भाई अभी गाकू का अटैक देखा मजा आ गया था ज़्यादातर सब सुपर बी डी अच्छा वो बेबी वाला वो इन्फर्नो ड्रैगन वाला यूज कर रहे हैं और मोस्ट पावरफुल है ये तो है भाई सुपर वो भी इन्फर्नो ड्रैगन वाला अटैक भी गजलत गलत ही है भाई बहुत जल्दी ट्रिपल होता है और भाई उसमें मतलब डिफिकल्टी बहुत कम होती है भाई ईजी अटैक होता है वाला भी सो so, देखते हैं हम लोग क्योंकि लास्ट अटैक सेम टाइम पे आएगा तो लीजेंट का ही देखेंगे क्योंकि इनके परफेक्ट होने के चांसेस हैं ट्वेल्व स्टार हैं ऑलरेडी फोर अटैक में तो अगर लास्ट अटैक भी इनका ट्रिपल गया तो इनके परफेक्ट हो जाएंगे पहला अटैक ऑलरेडी एम की तरफ से आ चुका मिल जाएगा सेम टाइम पे कर लो चलो तब तक उनका देखते हैं जैसे इधर अटैक चालू होगा तो इस पर स्विच कर देंगे तब तक इनका देखते हैं सेम वही जो हटाएगा भी तुम बोल भी रहे थे बेबी ड्रैगन वाला आप ट्राई किए हैं हाँ भाई एक वीडियो भी पड़ा इसका तो इन ओ भाई ये मैंने नोटिस नहीं किया पड़ी क्या बंदे को ये क्या हो रहा है भाई ये क्या था अरे भाई अच्छा वो उसका मूड ऑफ हो गया होगा आई थिंक आई डोंट नो क्या किया बंदे ने ये क्या था भाई पता ही नहीं चला को तो वैसे भी टाइम भी नहीं हुआ था अटैक करने का बट हो सकता है उनका जो भी हो गिवा भी कर दिया क्या कर सकते हैं भाई मूड ऑफ होगा बंदे का क्योंकि उनकी टीम से बहुत मिस्टेक बना एक अटैक उनका फेल हो गया गंदा फेल हुआ था वो वाला और उसके पहले ही आ, सेम टाइम पे दो बंदों ने अटैक किया था तो उसकी वजह से भी उनको कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होगा और अपोनेंट की टीम जब परफेक्ट कर रही हो तो भाई मुड़ तो खैर अभी अगर हम देखें तो एटलीस्ट हमारी ब्लेम टाउन हॉल तक इसने की ले लेंगे क्या फिर भी ओ भाई क्या किस्मत है <laughs> गलत ही सीन है भाई टोनेडो भी था उधर इतनी सेम भी थी तब भी अगर हम देखें तो हमें अपनी ब्लेम से भाई तब भी टाउन हॉल मिल गया गजब सीना भाई <laughs> चलो देखते हैं टेस्ला फार्म तो एटलीस्ट हमारा शुरू में ही निकल चुका है तो टेस्ला से हमें डील नहीं करना पड़ेगा सुई hmm. जिस हिसाब से फनल हो रहा है उस से आई थिंक स्केटर शॉट और आरसी लेने का प्लान होगा और हो सकता है आरसी के बगल वाला जो मल्टी है उधर हमारी आरसी ड्रॉप करने का प्लान होगा किंग की एबिलिटी अभी पॉप हो जाएगी बॉल ब्रेक हम यूज़ कर नहीं रहे हैं जो यूज़ किया वो बेचारा पता नहीं कौन से एंगल पे गया सो so, आर तो हमारा किंग ही निकाल देगा उसके बाद वही है हमारी आर से हम मल्टी uh, एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्वीन अगर स्क्रेटर शॉट निकाल दे तो भाई आ, सुई वैल्यू अच्छी जाएगी बंदे की फनल तो बन गया एटलीस्ट हमारी क्वीन अंदर चली भी गई है तो हमें यहाँ आर मिल जाएगा सेकंड फ्रीज की जरूरत थी आई डोंट नो मुझे तो नहीं लग रहा कि जरूरत थी अगर, अगर अपोनेंट क्वीन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भले ही फ्रीज ड्रॉप करने की ज़रूरत थी अदरवाइज तो मेरे को नहीं लग रहा वो फ्रीज अच्छा नहीं ठीक है टाउनऑल सी सी आई थिंक डील करने का ता� प्लान होगा अच्छा है हाउंड पॉप नहीं भी हुआ तो हाउंड को उसने कोने में भुला लिया है अभी हमारे पास एक जैप है वो जैप हेड एंटर के लिए होगा बट क्योंकि हेड एंटर मर चुके हैं तो इस समय ये जैप भी हम लोग का लगभग लगभग सोएक हो जाएगा और सुई पार्ट और ब्लिंक वाला पार्ट अभी तक तो मेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा है हमारे पास काफ़ी सारे स्पेल है भाई इस समय तो ट्रिपल होने के काफ़ी अच्छे चांसेस भी हैं बैक एंड में कोई भी मल्टी बचा नहीं है इस प्लेश डैमेज के नाम पे हमारे पास केवल एक स्क्रटर शॉट ही बचा है उसको भी हम लोगों ने फ्रीज कर लिया एजेस्ट कर लिया तो वो भी वाइप आउट हो चुका है इवन हम देखे भाई हमारे पास अभी स्पेल कितने सारे बच्चे बंदे के पास अगर वो चाहे थे तो, तो मैं स्पेल स्वयं भी कर सकता था तो फिर भी ड्रॉप कर रहा है पॉइन कभी यूज नहीं हुआ जो सीसी के लिए था उसको क्योंकि इस क्वीन ने भाई गजब ही अटैक किया भाई अच्छा बंदा कितनी चीजें लेके आया था तुम सोच रहा हो मतलब बैकअप प्लान अच्छा करता था उसकी क्वीन ने सीसी डील किया तब भी हमारे पास एक जैप है हमारे पास एक स्कल्टन ट्रैप भी है अगर हमारी क्वीन नहीं मरती जबकि हम हेडेंटर भी लेके आए थे कि हमें क्वीन मारनी है तो मतलब ओपी प्लानिंग भी है उसके बाद उस, उस प्लानिंग के बाद बैकअप प्लान भी कि भाई अगर ये चीज़ ना हो तो सेफ्टी के लिए ये चीज़ भी लेके आओ गज़ब भी अटैक हो गया भाई इतने लून बचे हैं बचा है दो स्पेल स्वैग हो गए और इसी के साथ इनके फिफ्टीन स्टार ओपी भाई ओपी जी जी भाई गजब अटैक किया है ने एक अटैक देखते हैं वो वाला इन्फर्नो ड्रैगन वाला जो भाई बहुत जल्दी खत्म हुआ था आ, पहला अटैक कौन सा था थर्ड अटैक हुआ था आई थिंक ये वाला था नहीं किसी न किसी टीम से तो इन्फर्नो ड्रैगन वाला अटैक हुआ था वो बहुत आ, जल्दी ख़त्म हुआ था कौन सा था यार फर्स्ट hmm... अटैक था क्या हाँ यही वाला था इस समय देख सकते हो रिप्लेट कितना दिखा रहा है वन मिनट फिफ्टीन सेकंड अभी देखते हैं हमारे ट्रूप से स्टार्ट कब से हुए हैं क्योंकि जब से स्टार्ट हुए हैं उसके बाद से यहाँ देखो वन मिनट टेन सेकंड का राउंड हम अगर देखें तो टेन सेकंड का राउंड स्टार्ट हुए थे तो इसका बल है ये वाला अटैक बंदे ने ट्रिपल गया है वन मिनट टेन सेकंड के आसपास भाई गजब ही अटैक होता है ये वाला मतलब क्या ही बोले भाई इसमें <laughs> ऐसे अटैक देख के तो भाई इसमें डिफेंड भी तुम क्या ही कर सकते हो भाई इसमें ना तुम एंट्री बेट कर सकते हो यही उम्मीद कर सकते हो भाई बंदे के ट्रूप स्प्लिट हो जाए या कुछ गलती हो जाए तब भी फेल होने के चांसेस होते हैं नहीं तो ऐसे अटैक में तो भाई गलत ही बात है भाई गलत चीज़ है इवन जैसे हम लोग अटैक करते हैं तो हम लोग सेफ्टी के लिए भाई टाउनहॉल के ब्लिप यूज करते हैं बंदे को मतलब इतना पता था कि हमारे सारे के सारे इन्फर्नो ड्रैगन टाउन हॉल तक जाएंगे उसने ब्लिम की जगह नॉर्मल हमारा स्टोन स्लैमर यूज किया था तो भाई कॉन्फिडेंस भी होता है ऐसे प्लेयर्स में इवन भाई देखें इसमें शायद आरसी की एबिलिटी स्वैग हुई थी या कोई आई डोंट नो देखें डबल स्टूडेंट क्वीन की एबिलिटी स्वैक हुई थी किसी ना किसी एक की तो हुई थी हाँ क्वीन की हुई थी गलत ही चीज है भाई <laughs> यही अटैक सीख लो भाई लेजेंड लीग में यही मारते रहोगे सभी चीज़ें बैक टू बैक ट्रिपल मैंने भी कुछ अटैक ट्राई किया था बट रेगुलर नहीं करता हूँ ओपी अटैक भाई ओपी अटैक सही भाई गजब अटैक किया था वाला तो चल भाई हम चलते हैं वापस अपने क्लाइन में लेजेंड अटैक देखने है क्या मेरे तो मेन आईडी में, में स्विच करें या फिर एक बार रुको मैं पहले एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना कौन सी सेकंड वाली आईडी किस लाइन में जानी थी सेकंड वाली बैगनान ब्लूज में ज्वाइन लाइन बुक मार्क कर रखा है कि नहीं मार्क ही नहीं है भाई रुको फिर थ्री वाली आईडी डी दूरते हैं कहाँ पे है भाई फोर मिल गए दिल्ली चैंप वाली हाँ मिल गए बिग गिव सी डेट्स वन डू यू थिंक टॉनल फोर्टीन कम अच्छा गिव एन डेट्स आई डोंट नो यार टॉनल फोर्टीन बाईस में टॉनल फोर्टीन का ही हॉट क्वेश्चन है भाई समय हर कोई चाहता है टॉनल फोर्टीन जल्दी से जल्दी आए वैसे यार जून जुलाई के आसपास ही एक्सपेयर कर सकते हैं इतना तो सुपर सेल मतलब हर कोई बोलता भी है कि सुपर सेल मतलब वर्ल्ड कप चालू होने के पहले मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप चालू होने के पहले ट्राई करेगा कि टाउनर फोर्टीन लॉन्च कर दे मतलब वन मंथ या टू मंथ पहले क्योंकि भाई हर किसी को नए टाउनर के हिसाब से अडाप्ट भी करना पड़ता है तो प्लेयर्स को भी होता है भाई उनको अटैक सीखने पड़ेंगे जो भी नए डिफेंस है उसके हिसाब से थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे तो वो भाई एटलीस्ट एक दो मंथ पहले तो उम्मीद कर सकते हैं कि नया टॉनर दे दें बाकी ये हर किसी का बोलना है अब सुपर सेल का क्या प्लान है भाई ये तो वही जानते हैं और उनका ही फाइनल डिसीज़न होगा जब भी वो लाना चाहें टाउन फोर्टीन उसमें तो कुछ नहीं कर सकता कोई और चलो यार लेजेंड लीग नहीं करता मैं ऑलरेडी कितना टाइम हो गया टेन फोर्टी सेवन हो गया ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है सो सबको हमारी तरफ से गुड नाइट और देखते हैं अभी अभी जी -सी -सी में और भी वॉर्स होंगी आ, देखते हैं अगर कोई अच्छा मैच मिलता है तो उसको पिक करेंगे अब आई गाइस